फ्रेंड्स, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में आपको वर्निलाइजेशन वसंतीकरण बताने वाले हैं। वसंतीकरण होता क्या है? तो वसंतीकरण के लिए आपको सबसे पहले वसंतीकरण की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वसंतीकरण की डेफिनेशन क्या है और वसंतीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो वसंतीकरण के लिए विभिन्न द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय पौधे, जो मतलब एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय पौधों की बात कर सकते हैं। बहुवर्षीय पौधों कम तापमान पर पुष्पन करने लगती है, मतलब कम टेम्परेचर पर भी उनमें क्या होता है, फ्लावरिंग होने लगती है, उनमें पुष्पन की क्रिया होने लगती है। ऐसी क्रिया, ठीक है, पुष्पन करने लगते हैं और निम्न ताप पर उपचार द्वारा इन्हें पुष्पन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वसंतीकरण कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि निम्न ताप पर, तापमान पर भी पुष्पन की क्रिया कराना ही इसमें क्या कहलाता है, वसंतीकरण कहलाता है। कम टेम्परेचर पर भी हम अपने अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, वसंतीकरण कहलाता है। क्लियर है आपको? उसके बाद परिभाषा, डेफिनेशन, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अनुसार अनेक मत दिए। उन्होंने अपने अपने अनुसार बताया कि थॉमसन के अनुसार जो वसंतीकरण वह क्रिया है जो बीजों को बोने से पहले निम्न तापमान पर रखने पर पुष्पन क्रिया को बढ़ाती है। बीजों को बोने से पहले उनको कम टेम्परेचर पर रखने से उनमें पुष्पन की क्रिया, फ्लावरिंग जल्दी होती है, पुष्पन क्रिया को वह बढ़ाती है। ठीक है, तो ये क्या है, थॉमसन के अनुसार जो डेफिनेशन दी हुई है। इसी प्रकार से लैटिन भाषा में रूसी भाषा के जेरोविजेशन शब्द से वर्निलाइजेशन शब्द का उद्गम हुआ और जिसे वसंतीकरण हम कहते हैं। मतलब वसंत ऋतु के अकॉर्डिंग इनमें क्रिया होगी और टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है कि जब वसंत ऋतु आती है तो कौन सी फसल होती है, शरद ऋतु, वसंत ऋतु की फसलें अलग अलग होती हैं। तो फसलों के अलग होने पर ही हम फसलों को बोते थे, उगाते थे, लेकिन आज के युग में जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में टेम्परेचर और मौसम और टेम्परेचर को चेंज करके, तापक्रम को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उन बीजों को उगा सकते हैं। वर्निलाइजेशन की क्रिया से, हम वसंतीकरण से हम पुष्पन की क्रिया को संभव कर सकते हैं अदर ऋतु में भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस विधि द्वारा शरद ऋतु के, आप सुनिए ध्यान से क्योंकि मैंने बताया ऋतु चेंज होंगी यहाँ पर, शरद ऋतु के बीजों को बसंत ऋतु में बोने पर बसंत ऋतु में ही पुष्पन प्राप्त कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें टेम्परेचर चेंज कर दिया सीड का, जिसके फल तथा बीज बनते हैं और अनेक प्रकार के बल्बों, मतलब बल्ब्स का मतलब जो लाइट वाला बल्ब नहीं, जो कलिका है, बड्स निकलती है, ठीक है, बल्ब्स को उपयुक्त तापमान पर रखकर उगाने से इच्छानुसार मौसम में फल प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कृत्रिम विधियां इतनी चल गई हैं कि आज हम सभी जनरेशन में हम किसी भी टेम्परेचर पर सारे फसल और सारे बीज और सारे सीड्स, हमें सारी सब्जियां, सारे फल हम हर मौसम में प्राप्त हो सकते हैं। क्यों, किसके कारण, वसंतीकरण की विधि के माध्यम से। वसंतीकरण का मुख्य उद्देश्य लैंगिक प्रजनन को त्वरित करना है, लैंगिक क्रिया को त्वरित करना है वसंतीकरण का प्रमुख उद्देश्य, जिसके द्वारा पुष्पों में उत्पन्न होने वाले बहुत कम समय, पुष्पों को खिलने में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। आपको लोग ध्यान से सुनते जाइए, बिकॉज क्या होता है, कभी कभी आपको चीजें पढ़ने से भी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन क्या है, दूसरा व्यक्ति पढ़ के आपको सुनाता है तो शायद आप लोग खुद कहते हैं, हमारे स्टूडेंट, कि हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको थ्योरिकल टॉपिक्स ही पढ़ा रही हूँ अब। तो वसंतीकरण का ये हो गई बात आपकी। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हमने, उन्होंने बताया कि पौधों में वृद्धि अनेक सीरीज में होती है जिसमें अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक अवस्था के पूर्व होने पर दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है। ठीक, लैंगिक प्रजनन के शुरू होने से पूर्व वाली अवस्था वसंतीकरण अवस्था कहलाती है। मतलब लैंगिक प्रजनन के पहले की अवस्था क्या कहलाती है, वसंतीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है, इस अवस्था के पूर्ण होने के बाद, लैंगिक प्रजनन के शुरू होने से पूर्व वाली अवस्था वसंतीकरण, और इस अवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक उपचारित करने
करके प्राप्त किया जी जो किया जा सकता है, मतलब हम इसको उपचारित कर सकते हैं। इस अवस्था को उपचारित करने के बाद तापमान उपचारण के पश्चात बीजों को मिट्टी में बोया जाता है। बीजों को कहाँ बोया जाता है? मिट्टी में बोया जाता है। और जब मिट्टी में बोने के पश्चात बीज मिट्टी से जल को सोख लेते हैं, क्या कर लेते हैं? जल को सोख लेते हैं और फट जाता है और भ्रूण से मूलांकुर प्रांकुर निकल आते हैं। अंकुरण प्रारंभ हो गया, जड़ प्ररोह का निर्माण होने लगता है, ठीक है। और शरद ऋतु में बोई जाने वाली गेहूं की फसल, एक और एग्जांपल, शरद ऋतु में जब हम गेहूं की फसल को बोते हैं, मतलब जो गेहूं की बोई जाने वाली फसल की किस्मों को बोने से पहले यदि कम तापमान पर उपचारित अगर हम कर लेते हैं, किया जाता है, तो उसमें बसंतीकरण हो जाता है। गेहूं की उस फसल में भी बसंतीकरण, जल्दी फ्लावरिंग आ जाएगी, जल्दी हमारे पक जाएंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है, जिससे गेहूं के पौधे में बसंत ऋतु में फूल उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्रयोगशालाओं में बसंतीकरण के अध्ययन के लिए बीजों को हिमांक तापमान पर वसंत ऋतु आने तक रखकर उपचारित किया जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप बीजों में शीघ्र पुष्पन करने का पुष्पन क्रिया उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है। और अल्प दीप्ति काल वाले पौधे प्याज में पुष्पन क्रिया को तापमान प्रेरित करता है। प्याज में भी तापमान को प्रेरित किया जाता है। खाद्यान्नों को ऑटम में बोने पर, ऑटम ऋतु में मतलब हम शरद में बोने पर जैसे शरद राई को शरद ऋतु में पुष्पन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। शरद ऋतु में कितना निम्न तापमान की आवश्यकता होती है? यह क्रिया दीर्घ दीप्ति काल वाले पौधों में होती है और यह क्रिया लगातार, उनका मतलब क्या है कि उनको लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम दीर्घ लो टेम्परेचर की जगह हम उसको दीर्घ दीप्ति काल, मैंने दीप्ति काल भी आपको बताया कि लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट है ना, जिनको दीर्घ समय तक दीप्ति मिलती रहे, प्रकाश मिलता रहे वाले पौधों में होती है और यह क्रिया लगातार अगले वर्षों तक चलती रहती है, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिन तथा रात के तापमान में अंतर, ठीक है, अवधिकाल कहलाता है, दैनिक अवधिकाल कहलाता है, जिसको टेम्परेट हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरेशन पीरियडिज्म कहलाती है। इसी प्रकार से हमने दीप्ति काल आपको क्लियर कर दिया, आई होप कि आपको क्लियर होगा, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और एक बार और अच्छे से सुनकर रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।